ब्रॉक लेसनर कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर पर हमला, सेमी जेन की जीत की वजह आई सामने, मैंडी रोज ने की ओटीज की बेइज्जती और एलिमिनेशन चैंबर के बाद मर्फी ने मांगी सॉरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर के ऑफ एयर जाने के साथ। तो एलिमिनेशन चेंबर के ऑफ एयर जाते ही सार हमें एक ट्वीट देखने को मिला है बड़ी मर्फी की तरफ से। बड़ी मर्फी ने सॉरी मांगी है सेथ रॉलिंस से। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं ये ट्वीट उन्होंने अपनी फाइट के 2 घंटे बाद किया। दरअसल उनकी फाइट में दोस्तों हार हो गई थी बड़ी मर्फी और सेथ आज फेस किए थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गई क्योंकि वहां इंटरफेरेंस देखने को मिली केविन ओवंस की तरफ से। यहां दोस्तों मर्फी जो थे वो लीगल मैन थे, इसलिए मर्फी ने लिखा कि मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दे प्रिय सेथ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने मैच हरवाया है। अब देखते हैं दोस्तों सेथ इसके लिए क्या उन्हें माफ करते हैं या फिर इनकी टीम टूट जाती है। पर गाइस अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है सेमी जेन से। तो सेमी जेन का भी इंटरव्यू हुआ है। सेमी जेन दोस्तों आज WWE IC चैंपियन बन गए। दरअसल ब्रॉन की उन्होंने पिन की है हैंडीकैप मैच में। हैंडीकैप मैच के अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं झेल पाए तीनों को और वहां दोस्तों सेमी जेन जीत गए। सेमी जेन पहली चैंपियनशिप जीते हैं मेन रोस्टर में और एक काफी बड़ी उपलब्धि है। सेमी जेन दोस्तों बैक स्टेज पाए गए जहां इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछने चाहे। यहां दोस्तों सेमी जेन क्या बोले कि देखो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे इंसान है और अच्छा होना आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना जस्टिस अंत में मिल ही जाती है और ये प्योर जस्टिस है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंटरव्यूअर को वहां से भगा दिया। सेमी जेन दोस्तों अपने को गुड गाय कहे वहां, और सेमी जेन के बारे में बताऊं वो एक हील तो है लेकिन वो काफी एंटरटेनिंग है गाइस। और सेमी जेन ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किए मेन रोस्टर के अंदर, जैसा रोल उन्हें मिलता था वैसा रोल वो निभा लेते थे। तो इसके लिए सैल्यूट है गाइस, क्योंकि कितना भी बेकार रेसलर क्यों ना हो कभी ना कभी वो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। और सेमी का तबका तो दोस्तों काफी ऊंचा है। तो हाँ, सेमी जेन के धैर्य के लिए और उनकी ब्रांड न्यू विक्ट्री के लिए हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और चलेंगे इसी से जुड़ी खबर के ऊपर कि आखिर सेमी जेन क्यों जीते, क्यों ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे मॉन्स्टर को हरवा दिया सेमी से। तो गाइस बात की जाए सेमी की जीत की, तो सेमी की जीत की एक नहीं 2-3 वजह है। पहली वजह दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में कोई भी टाइटल चेंज ना होना। तो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर दोस्तों अगर आप इस मैच को हटा दे तो कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला था, तो ऐसे में WWE वालों ने ये चेंज डाला। दूसरा रीजन है दोस्तों कि सेमी जेन हमेशा से शिंसके की वॉइस रहे हैं। तो इससे पहले हमने ब्रॉन वर्सेस शिंसके देखा था जिसके अंदर दोस्तों जो शिंसके थे वो तो कुछ नहीं कहते थे, सेमी जेन उनके लिबरेटर थे। और गाइस कहीं ना कहीं WWE वालों ने सेमी जेन को उनकी वफादारी के लिए इनाम भी देना था। इतने साल तक कोई व्यक्ति कैसे मेन शो के अंदर बिना टाइटल के रहे। वहीं दोस्तों देखा जाए तो रेसलमेनिया 36 भी काफी ज्यादा करीब है और आप जानते हैं कि बड़े पीपीवी के अंदर सेमी जेन को कैसा सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सारे रीजन थे तो सेमी जेन आज चैंपियन बने और यहां दोस्तों हम कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछेंगे और चलेंगे इससे अगली खबर के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है AEW डायनामाइट से, जिन्होंने एक करतब करके दिखा दिया। तो आप जानते हैं AEW वाले कभी कभार ऐसी चीज कर देते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल हुआ क्या था कि आज से कुछ एक महीने पहले विंस मैकमैन से सवाल पूछा गया था AEW के ऊपर। विंस मैकमैन ने यह चीज कही थी कि देखो हम जो WWE वाले हैं वो काफी समय से यानी कि बहुत समय पहले से ऐसी चीजें किए हैं, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, हम PG ही रहने वाले हैं और ये ब्लड एंड गट्स हमें नहीं दिखाना है। ये जो शब्द उन्होंने कहा AEW वालों ने पकड़ा और अपने नेक्स्ट PPV का नाम रख लिया। और यहां दोस्तों 25 मार्च को जो PPV होने वाला है AEW का, उसका नाम है ब्लड एंड गट्स, जहां सबसे पहला मैच जो तय हुआ है वो होने जा रहा है द एलीट्स वर्सेस इनर सर्कल के मध्य। तो एक ऐसी चीज हमें इंडस्ट्री में देखने को मिली है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। एक नाम पकड़ा गया, वो भी दोस्तों एक व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति ने दिया जो कि उनका प्रबल दुश्मन है यानी कि दोस्तों विंस मैकमैन। विंस मैकमैन अब आगे जाकर AEW के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरेंगे क्योंकि क्या पता कोडी रोड्स अपने नेक्स्ट PPV का नाम
उसी के ऊपर रख दे, वो काफी क्रेजी थिंग हुई है और क्रेजी से ज्यादा दोस्तों मेरे पास आपके लिए क्रेजी चीज है, नाम है 1xBet। 1xBet दोस्तों एक तरीके की पैडिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। करना बस यही है कि पिंड में सबसे ऊपर आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उसके लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स, तो आपको मिलता है 100 USD जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, लिंक इन द पिंड। बट गाइस अब हम चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस वो हमारी जुड़ी है मैंडी रोज से, तो मैंडी रोज और ओटिस की लव स्टोरी में एक ब्रांड न्यू एंगल आ चुका है आज दोस्तों। मैंडी ने ये चीज कह दिया कि मोटी बुद्धि है ओटिस। तो हुआ क्या कि आपने देखा होगा एलिमिनेशन चेंबर में कैसे एलिमिनेट हुई हैवी मशीनरी, वहां दोस्तों ओटिस गलती से बाहर हो गए, चेंबर का पॉड फाड़ कर दोस्तों बाहर गिर गए, वहां टक्कर की पिन हो गई। हुआ गया कि इसके खत्म होने के बाद, एलिमिनेशन चेंबर के खत्म होने के बाद मैंडी ने ट्वीट किया कि जो ओटिस है वो हमेशा से एक मोटी बुद्धि रहा है, उसका दिमाग काफी ज्यादा मोटा है और उसके चलते उसने अपनी टीम को मैच ही हरवा दिया, उससे बेहतर तो डॉल्प और रॉबर्ट रूड है। तो यहाँ दोस्तों ओटिस की बहुत तगड़ी बेइज्जती कर दी है मैंडी ने और मुझे नहीं लगा था कि मैंडी कभी कुछ ऐसा कहेगी। अब देखते हैं ओटिस का क्या रिप्लाई आता है और ओटिस क्या करते हैं इस लव स्टोरी में। आगे हम चलते हैं आज की अपनी मेन न्यूज के ऊपर। तो भाई मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से, जो कि कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला। तो कल की रॉ दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाली है, एज वहां आने वाले हैं, एज के साथ साथ वहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की धुनाई हो सकती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट वीक हमने रॉ में देखा था कि कैसे पिटाई की थी ड्रू ने ब्रॉक की, इतनी गंदी पिटाई की थी, बिल्कुल उठने का मौका नहीं दिया गया था। रिंग के अंदर क्लेमोर, उसके बाद रैंप के ऊपर दो और क्लेमोर। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर इसका बदला अभी से कुछ एक घंटों में यानी कि रॉ में ले लेंगे और वहां दोस्तों एक F5 उन्हें जरूर लगाएंगे। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो राइवलरी में ज्यादा मजा आएगा, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ड्रू मैकइंटायर कैसे उस चीज का प्रतिकार करते हैं। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।